हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत वंगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज का जो वीडियो है वो एक अनाउंसमेंट वीडियो है जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है श्रीकांत देवंगन और मैं जो है अभी NIT रायपुर से MCA कर रहा हूँ। तो मुझे जो है अभी वेब डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है जो मैं आने वाले वीडियोज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट हम लोग फ्रंट एंड वाला पार्ट है जो कवर कर रहे होंगे, लाइक HTML, CSS एंड JavaScript। आने वाले टाइम में हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर बात करें फ्रंट एंड के बारे में यार, तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से लेके पूरे एंडिंग तक हर चीज़ कवर करेंगे। प्रोजेक्ट्स देख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो सीखे हैं वो बाकी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये बस इतना था इसके बारे में। और बात करें यार वेब डेवलपमेंट आपको क्यों सीखनी चाहिए, तो बताता हूँ यार, वेब डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे, है ना। तो बिल्कुल आप अगर कॉलेज में हो तो आपको वहाँ कॉलेज में भी प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए जरूरत पड़ रहा होता है। आप खुद के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा नीड हो रही होती है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप वहाँ फ्रंट एंड में आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो, है ना। अगर आपको HTML, CSS और JavaScript का नॉलेज है अच्छा, तो आप आने वाले टाइम में फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क होता है, रिएक्ट JS लाइब्रेरीज जो हो रही होती है ना, और एंगुलर JS, है ना, ये सब बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर यूज़ करके आप अपने स्किल्स को और ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो और आप एक अच्छा खासा जॉब ले सकते हो। तो आपको ये पूरी जो सीरीज़ है, जो लेक्चर्स हैं हर जो आने वाले हैं, उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अगर आप पूरे लेक्चर फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे खासा वेब डेवलपर जो है बन सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था। और कोर्स के बारे में और डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, है ना, क्या क्या स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे कोर्स के डिटेल है वो किस तरीके से हम लोग फॉलो करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं यार फ्रंट एंड में सबसे पहले हम लोग HTML का पार्ट कवर करेंगे, एंड देन CSS का, एंड देन JavaScript का। ठीक है, अगर हम लोग HTML में बात करें यार, तो सबसे पहले HTML हम लोग उसके HTML के बेसिक एलिमेंट, एट्रीब्यूट और टैक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, देन उसके बाद फॉर्म्स एंड वैलिडेशन के बारे में, एंड HTML मीडियाज की, लाइक हम लोग कैसे मीडिया इमेज है जो हमारा पिक्चर्स है वो कैसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग HTML में सब चीज़ सीखने वाले हैं। एंड देन अगर CSS में बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा CSS में, वो सेलेक्टर्स होगा, लाइक कैसे CSS में सेलेक्टर्स यूज होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद एडवांस CSS में हम लोग और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि हम लोग CSS को और कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। देन उसके बाद जो लोग वेबसाइट का लेआउट होता है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड का यूज करके हम लोग करेंगे। तो फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड का यूज करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लेआउट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से बनाया जा सकता है। अगर उसके बाद बात करें रिस्पॉन्सिव की, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मीडिया क्वेरी की, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ऐसा कुछ होगा कि यार आप देखते हो कि कोई वेबसाइट ओपन करते हो एंड वहां देखते हो कि जब उस सेम वेबसाइट को फोन में ओपन करते हो तो वेबसाइट के जो लेआउट होते हैं थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, साथ ही साथ वो क्या हो जाते हैं कि थोड़े से वो और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब आपको कहीं भी कुछ ऐसा ग्लिच देखने नहीं मिल रहा होता, लाइक आपका कोई चीज़ इधर मिस हो गया है, इस टाइप से। मतलब इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। जो चीज़ हमको कैसे बनानी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। एंड उसके बाद बेसिक्स प्रोजेक्ट देखेंगे यार, लाइक जो हमने अभी तक HTML और CSS से पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि कैसे हम उसको अभी तक जो जितना चीज सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो कैसे एक प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज करके एक प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देन अगर बात करें यार JavaScript के, तो JavaScript का यार जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक सिंटैक्स एंड कॉन्सेप्ट, है ना, कि कैसे JavaScript का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क कर रहा होता है, JavaScript कैसे ब्राउजर पे चल रहा होता है, एंड बाकी सब चीजें उसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिंटैक्स है, ये सब चीजें हम वहाँ पर देख रहे होंगे। और बात करें डॉम मैनिपुलेशन, तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे डॉम जो होता है हमारे ब्राउजर का वो किस तरीके से मैनिपुलेट होता है। और उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो जावास्क्रिप्ट में जो है वो ES6 है, जो किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, वो हम लोग पूरे चीजें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, कि जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स है ना, लाइक ऑन क्लिक, है ना, ऑन माउस मूव और बाकी बहुत सारे इवेंट्स है जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में इस वीडियो के जो पूरे लेक्चर्स अगर हमारे खत्म हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट जिसको आप यूज कर सकते हो और आप पूरे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो अच्छे तरीके से और एक आप खुद का एक अपना एक ओन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले तो। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो बस इतना ही था यार, तो हमारे डिटेल्स जो थे हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो चैनल पे बने रहिएगा यार पूरा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो मेरे को वहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि और किस तरीके से आपको इम्प्रूव किया जाए और बाकी सब चीज़ें आपको अच्छे से पहुँचाया जाए। ठीक है,
और एक इंपॉर्टेंट चीज यार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है न्यूटन स्कूल के बारे में। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है ना। आप न्यूटन स्कूल से 6 मंथ की फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कर सकते हो तरीके से, एंड न्यूटन स्कूल जो है आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दे रहा होता है, ठीक है। तो इन 6 मंथ के पीरियड में आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं हो जाती जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता। और न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300+ कंपनीज के साथ है, तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है इंडिया की किसी अच्छी कंपनी में हो जाए, ठीक है। तो आप न्यूटन स्कूल एक बार विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो फ्रंट एंड का कोर्स है।